Assalamualaikum guys, this is Abdul Basit Babar here and you're watching Abbey Vlogs. So guys, this is Arbab Niaz Cricket Stadium latest updates and I'm officially working for PCB and the ground staff. So इसी वजह से ये आप लोगों को दिखाना चाह रहा था. कुछ और यूट्यूबर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं जो कि इसकी वीडियो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ. ये हमारे लिए खुशी का मौका है जिस पर एक बेहतरीन किस्म का काम स्टार्ट हो चुका है, इसके चेयर्स लग चुके हैं और साथ ही साथ अगर आपको मैं ग्राउंड की तरफ नज़ारा दिखाऊं तो वो भी काफ़ी हद तक इस पर स्वीट सॉयल इस पर डाली चुके हैं जो कि बिल्कुल ग्रास के लिए होती है. तकरीबन 60-65% ग्राउंड इन लोगों ने कवर किया हुआ है. तो बाकी ड्रोन और मिक्स शॉट आप लोगों को दिखाऊँगा. तो तब तक के लिए वेट और इन्जॉय करें. सो गाइस, ये वाली सीट्स आई हुई है अरबाब नियाज़ स्टेडियम में. तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया, ये मेरे कुछ अपने टूल्स पड़े हुए हैं, गोप्रो और ड्रोन वगैरह. ये शूट्स मैं आपको साथ ही साथ में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जाते हैं. ये रही, ये तकरीबन काउंटिंग पे तो नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल, वो बाद में करूँगा या पे फिगर लिख लूँगा स्क्रीन पर जितनी वो पड़ी हुई हैं. तो अब ज़रा जाते ग्राउंड की तरफ, आप लोगों को ग्राउंड दिखाते कि ग्राउंड का क्या हाल है. सेम यहाँ पर भी उसी कंडीशन में, काफ़ी बड़ी तादाद में आ चुकी है, लेकिन और स्टॉक कहाँ पे पड़ा है यह भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते. सो गाइज, ये है इसकी चेयर, माशाल्लाह आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत क्वालिटी के हैं, बड़े मजबूत हैं, ज़ोर लगाने के बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. तो जनाब, आप लोग देख सकते हो अक्सर लोग कहते थे कि क्या ये जगह बहुत कम है, इन लोगों ने चेयर्स लगा लिए. तो इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, यह मैं खड़ा हूँ चेयर्स कर रहा हूँ, ठीक है. मेरे आगे कितना गैप बाकी है, गैप भी है, पीछे भी इजीली मैं बैठ सकता हूं. और साथ ही साथ ये अगर बताऊं, काफ़ी फासले, तकरीबन 18 इंच का फासले दरमियान में. तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत तरीके से सेटिंग इसका हो चुका है. सो जनाब, जैसे मैं आप लोगों को कह रहा था कि यहाँ पर स्वीट सॉइल डाली चुकी है, देख सकते हो ये ग्रास के लिए, इस पर ग्रास की ग्रोथ होगी, उगेगी, फर्टिलाइज़र इसमें डाला जाएगा, यूरिया होगा, जो भी हो जो इसके लिए, इसकी ग्रोथ के लिए बेहतर हो, यही सब कुछ डाला जाएगा. ये आप देख सकते हो कंप्लीट, ये 60-65% एरिया कवर हो चुकी है. वो साइड पर भी लग चुका है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये साइड, वो वाला साइड शायद आखिर में रह जाए, क्योंकि वहाँ पर ये तकरीबन 8-10 और वो लगेंगे, जो ट्रसेस हैं वो लगेंगे. उसके बाद इस पर वहाँ पर भी ये स्वीट सॉइल डाली जाएगी, उस पर भी काम होगा. तो क्या कहते हो, इतने टाइम बाद ग्राउंड आए हुए हैं, क्यों ना एक सिनेमेटिक सी शॉट्स बनाएं, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो. तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एक सिनेमेटिक वीडियो को. सो गाइस, ये है कंप्लीट व्यू इसका, मैं इसकी व्यू आप लोगों को टॉप से भी दूंगा ग्राउंड से. तो इसके अलावा अगर आप देखें इसकी विकेट्स, तो काफ़ी वक्त बाद पहली दफ़ा विकेट्स पे आया हूँ. तो कंप्लीट इस कंडीशन में इस पर क्रश डाला चुका है, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ है इस पर. जैसे आप लोगों को ये कम्प्लीट नज़र आ रहे हैं, क्लोजली मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. तो यह है इसका बिल्कुल सेंटर पिच. अक्सर लोग कहते हैं कि
यहाँ से ग्राउंड की व्यू किस तरह होगी। तो ये लीजिए जनाब इसकी कंप्लीट ग्राउंड व्यू। तो जनाब यहाँ पर सारे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ये आप लोग ख़ुद भी देख सकते हो। मैं ज़रा साइड से चलते वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से सब कुछ नज़र आ जाए। सो गाइस यस इट इज़, ये है इसकी जो ऊपर वहाँ की जो ड्रेसेस हैं वो यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। एक वहाँ पे वाइट कलर का पड़ा हुआ है, कंप्लीट रेडी है। दूसरा ये भी रेडी हो चुका है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स मंथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी जारी है, तो माशाल्लाह जल्द अज जल्द ये भी कंप्लीट हो ही जाएगा। तो ये है जनाब इसका कंप्लीट व्यू, जिस तरह मुझे नज़र आ रहा है जितना ग्राउंड, उस तरह आप लोगों को इस कैमरे में कैमरे के थ्रू आप लोगों को भी नज़र आ रहे हैं कंप्लीट। ये है इसकी खूबसूरती ग्राउंड की, देख सकते हो माशाल्लाह बड़े बेहतरीन व्यू है। दिस इज GoPro Hero 9 व्यू। वैसे गाइज मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर PSL का मैच हो गया यहाँ पे, या आने वाले एशिया कप्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, इंटरनेशनल टीम्स आ रही है उसका मैच हो, और राइट डियर वहाँ पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान खेल रहे हो, एक खूबसूरत पार्टनरशिप हो, तो क्या नज़ारा होगा। यहाँ से देखे आप, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत व्यू है। तो आज की ये पवेलियन टूर आप लोगों को मैं दिखाने वाला था, तो ये रही इसकी पवेलियन टूर। तो इसके साथ अब दूसरी वीडियो की भी प्रिपरेशन कर लेता हूँ, लेकिन वो एक साथ वीडियो होके तो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो दूसरी वीडियो पर वो कर लेता हूँ। दूसरी वीडियो होगी हमारी मुकम्मल स्टैंड्स और साथ ही साथ में जो बाउंड्री फेंस है उसके हवाले से। सो इस वीडियो के लिए यहाँ तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा तो गाइज जैसे मैं आप लोगों को हर दफ़ा बताता हूँ कि ये इसकी बाउंड्री फेंस, तो इसकी बाउंड्री फेंस यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से बिल्कुल कम्प्लीटली तौर पर रेडी होकर ये कम्प्लीट सर्कल लगा कर यहाँ से, तो वापस जूम आउट करके जूम इन की तरफ जाता हूँ, तो ये कंप्लीट आप देख सकते हो 80% कंप्लीट हो चुकी है। सामने एक गेट है, तो गेट पर भी अभी नहीं लग सकती क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ आती जाती है, कंप्लीट काम होता है, तो इसी वजह से ये जगह आप देख सकते हो बिल्कुल मीडिया बॉक्स की सामने की तरफ इतनी ये मुकम्मल हो चुकी है, बाउंड्री फेंस लग चुकी है। और साथ ही साथ अगर आप लोग देखें जनाब, तो ये है इसकी बिल्कुल लास्ट स्टैंड, ये सिर्फ इनकम्प्लीट रह चुकी है, बाकी इसके अलावा आप जितने भी स्टैंड देख सकते हो वो मुकम्मल तौर पर रेडी है, जैसे मैंने ड्रोन शॉट में भी आप लोगों को दिखा दिया। तो सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एक दर्जन ड्रेसेस अभी बाकी हैं, तो खैर इतना तो होता है मुझे लगा कि कम है। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को कुछ और दिखाने हैं मैंने। सो गाइस जैसे मैंने आप लोगों को वहाँ पिच के दरमियान से खड़े होके बताया कि कंप्लीट 80% स्वीट सॉइल इंस्टॉल हो चुकी है ग्राउंड पर, तो ये आप लोग खुद भी देख सकते हो कम्प्लीटली ग्रास की तैयारी जारी है, ग्रास यहाँ पर लगेगी। तो साथ ही साथ बस सिर्फ ये वाले एरिया बाकी हैं, आप इसे 50% कहे, 30% कहे या 80% कहे, लेकिन ये जगह ज़्यादा कवर हो चुकी है, मुझे ये 80% लग रही है, बाकी आप लोग ये खुद अंदाज़ा लगा सके जितनी जगह बाकी हैं।
अच्छा, तो ये है जनाब इसकी कंप्लीट लास्ट हैंड जो है उसके बिल्कुल डाउन साइड, जो कि ग्राउंड फ्लोर जिसे हम कहते हैं, वो वाली जगह है। ये भी आप लोग देख सकते हो, माशाल्लाह बड़ी, काफ़ी बड़ी स्टैंड है।